सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बेटा, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ओके, अभी आप लोगों ने PT2 के एग्ज़ाम भी दे चुके हैं ना? आप लोगों आपने अच्छे से भी लिखा है। ओके, सबने अच्छी हैंडराइटिंग में साफ साफ लिखा है, गुड। अब हम क्या करेंगे, टर्म 1 टर्म 2 के एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। अब टर्म 2 के एग्ज़ाम आएंगे ना, PT2 हो गया, अब टर्म 2 के एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, अब वापस से रिवीजन करेंगे, है ना? और रिवीजन में हम क्या कर रहे हैं, जो पहले जो लेसन है ना, जो सिलेबस में आएंगे, आगे के जो लेसन हम कर चुके हैं, उन लेसन में से भी एक दो लेसन आपके आएंगे, वो आपको सिलेबस में बता देंगे कि कौन कौन से लेसन आएंगे, है ना? और इसलिए हम जो पहले पुराने लेसन है उनका अभ्यास कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए ना आप लोगों को भी उनका रिविज़न करे हुए, तो उनको हम वापस से एक बार रिविज़न करेंगे, उसकी पुनरावृत्ति करेंगे टर्म 2 के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। ओके, तो अब हम करेंगे कक्षा 2 में विषय हिंदी में पाठ 2। पाठ का नाम क्या है, भालू ने खेली फुटबॉल। उसका हम लिखित पुनरावृत्ति करेंगे, लिखित अभ्यास करेंगे, है ना? लिख के जो अभ्यास किया ना, वो मैं आपको बताऊंगी, है ना? सबसे पहले है शब्दार्थ में। शब्दार्थ में देखेंगे हम, पहला है सैर करना। सैर करना मीन्स घूमना, सैर करना मीन्स घूमना। फुर्ती से, जल्दी से। तापना, सेकना। जल्दी से, तुरंत। आफत, मुसीबत। कोहरा, धुंध। अकल दौड़ाना, सोचना। आंखें फैलाना, ध्यान से देखना। एक बार और देख लेंगे, सैर करना, घूमना, फुर्ती से, जल्दी से, तापना, सेकना, जल्दी से, तुरंत, आफत, मुसीबत, कोहरा, धुंध, अकल दौड़ाना, सोचना, आंखें फैलाना, ध्यान से देखना। ओके, ये हम इसके शब्दार्थ हमने कर लिए। और ये पाठ के बारे में तो आपको पता है ना कि इस पाठ में क्या था, कि भालू ने उसको एक छोटे से बच्चे को उछाल दिया था बॉल समझ के, है ना? वो किसी का बच्चा, बाघ का छोटा बच्चा सो रहा था, तो उसको पैर से लात मार के उछाल दिया था, है ना? अब देखेंगे इसके प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न उत्तर हम यहाँ देखेंगे। ओके, और ये देखो कैसे लिखा है ना लाइन के, मैंने बताया आपको कितनी बार के नीचे से टच नहीं करना है, या बीच में लिखना है ऊपर की लाइन से टच करके, जैसे कैसे लिखा हुआ है मैंने, इस तरह से आप लोग भी अपनी नोटबुक में पेपर में भी ऐसे ही लिखेंगे। अब पहला है इसमें क है, नंबर 1 है, भालू दादा घर से किस लिए निकले। किस लिए निकले थे भालू दादा? तो भालू दादा किस लिए निकले थे? सैर के लिए निकले थे, है ना? तो अब यहाँ लिखेंगे सैर के लिए निकले, निकले। ओके, अभी मैंने थोड़ा शॉर्ट में बताया है, आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे लिखेंगे भालू दादा घर से किस लिए निकले, तो यहाँ पे लिखेंगे हम भालू दादा घर से किस लिए की जगह आंसर आ जाएगा उसके नीचे, सैर के लिए निकले। ये प्रश्न हो गया ना। अब ऐसे नेक्स्ट है खा वाला, भालू दादा की नज़र किस पर पड़ी। अब है दूसरे, इसका उत्तर है जामुन के पेड़ पर। तो इसका पूरा उत्तर कैसे हो जाएगा, भालू दादा की नज़र जामुन के पेड़ पर पड़ी। अभी किसकी जगह आ जाएगा, जामुन के पेड़ पर, किस पर पड़ी थी, जामुन के पेड़ पर। ये छोटे थोड़े छोटे छोटे वो है ना, एक एक वाक्य में एक एक शब्द में जो हम लिखते हैं वो छोटे वाले प्रश्न उत्तर है ना, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में बताया। अब है तीसरा है गा, शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा। शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा था? अब इसका उत्तर है भालू ने उसे पैर से उछाल दिया था, इसलिए वो दहाड़ा था। दहाड़ा था ना, जोर से चिल्लाया था शेर का बच्चा, उसको फुटबॉल समझ लिया था भालू ने। तो अब है ये शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा, भालू ने उसे पैर से उछाल दिया था, इसलिए वो दहाड़ा था। ओके, अब नेक्स्ट है, लास्ट है इसका, भालू साहब किस बात पर पछताए। अब उत्तर है इसका, भालू सैर पर निकलकर पछताए। सैर पर आए थे ना वो, तो इसीलिए पछताए थे कि उसने पैर से उसको फेंक दिया था, उछाल दिया था, तो वो बार बार उसको कहने लग गया था शेर का बच्चा कि मुझे एक बार और उछालो, दो बार और उछालो, इसलिए वो मतलब पछता रहे थे, उनको पछतावा हो रहा था कि मैं फालतू में आया। ओके, ये हमारे प्रश्न उत्तर हो गए और शब्दार्थ हो गए। अब देखते हैं हम इसके विलोम शब्द, जो अपोजिट वर्ड होते हैं ना, वो हम देखते हैं। अब है पहला है इसमें सर्दी गर्मी। सर्दी का गर्मी, नीचे ऊपर, और इसका उल्टा भी हो जाएगा, जैसे गर्मी आया है इधर तो सर्दी हो जाएगा।
ऐसे इधर ऊपर लिखा है तो नीचे हो जाएगा। ओके, सर्दी गर्मी नीचे ऊपर आना जाना तोड़ना जोड़ना पकड़ना छोड़ना सोना जागना। अब इसमें हम मात्राओं का भी थोड़ा देख लेते हैं ना। अब सर्दी, यहाँ पे कौन सी मात्रा लगाए लगी है, बड़ी की मात्रा, और ये रा का उच्चारण एकदम धीरे, छोटा सा रा का उच्चारण हो रहा है ना, सर्दी, र रे फ रो पदेन सिखाए थे ना सर्दी, ये इसमें भी कोई मात्रा नहीं है। गर्मी, माँ पे ई की मात्रा है गर्मी, ऐसे ही ना, ना में ई की मात्रा है नी, इधर मी है ना बड़ी की मात्रा, ऐसे इधर है ई बड़ी की मात्रा तो नी, नीचे ए की मात्रा है इसमें ऐसे, फिर नीचे का ऊपर आना, इन दोनों में कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा है, डंडे वाली मात्रा कौन सी मात्रा होती है, आ की मात्रा। अभी मैंने पहले वीडियो भेजे आपको, उसमें बने वापस से आपको मात्राओं का अभ्यास कराया है ना, तो ये देखो आप आना, इसमें भी आ का डंडा है दोनों में, आना फिर जाना, यहाँ भी आ का डंडा है। ओके, फिर तोड़ना, अब तापे देखो कौन सी मात्रा है, ओ की मात्रा है ना, तोड़ना जोड़ना, ओ का उच्चारण हो रहा है ना इसमें, इसमें भी जा में कौन सी मात्रा है, ओ की मात्रा, जो ओ का उच्चारण हो रहा है ऐसे, जोड़ना, ना पे आ की मात्रा है जोड़ना, फिर पकड़ना छोड़ना, पकड़ना छोड़ना सोना जागना। ओके, ये हो गया सर्दी गर्मी नीचे ऊपर आना जाना तोड़ना जोड़ना पकड़ना छोड़ना सोना जागना, ये विलोम शब्द हो गए। अब देखते हैं इसके रिक्त स्थान, फिल इन दी ब्लैंक्स है ना, खाली जगह भर होते हैं ना वो। अब है भालू सहा, यहाँ पे खाली जगह है, जैसे डैश है यहाँ पर निकल आए, तो कहाँ पे निकल आए, तो डैश में क्या लिखा है यहाँ पे, सैर, तो भालू साहब कहाँ निकल आए थे, सैर पर, तो डैश में लिखेंगे सैर। फिर दूसरा है शेर के बच्चे ने डैश डाल पकड़ ली, तो कैसे डाल डाल पकड़ ली थी, ये डैश है हड़बड़ा कर, कैसे हड़बड़ा कर, तो यहाँ डैश में लिखेंगे हड़बड़ा कर डाल पकड़ ली। फिर तीसरा है शेर के बच्चे को, डैश है यहाँ पे, उछल में मजा आ रहा था, तो किसमें मजा आ रहा था, उछलने में, तो डैश में क्या लिखेंगे, खाली जगह में उछलने। ओके, शेर के बच्चे को उछलने में मजा आ रहा था। नंबर फोर है शेर का बच्चा, यहाँ पे डैश है खाली जगह है, से जमीन पर आ गिरा, शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गिरा, तो डैश में क्या लिखेंगे, धड़ामू, ध फिर डा फिर म, धड़ामू। एक बार और देख लेते हैं, भालू साहब खाली जगह में लिखेंगे सैर पर निकल आए। फिर दूसरा है शेर के बच्चे ने डैश मतलब डैश में लिखेंगे हड़बड़ा कर डाल पकड़ ली। फिर नंबर तीन है शेर के बच्चे को खाली जगह में लिखेंगे उछलने में मजा आ रहा था, शेर का बच्चा यहाँ डैश में लिखेंगे धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। ओके, पीछे देखते हैं इसके वाक्य बनाइए ना, तो वाक्य बनाइए में हम यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है तो मैं यहाँ लिख के आपको बताऊंगी। जैसे पहला है फुर्ती, अब फुर्ती में हम कुछ भी बना सकते हैं, मैंने बताया ना आपको, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, जैसे भालू दादा ने दौड़कर फुर्ती से शेर के बच्चे को पकड़ लिया, शेर के बच्चे को लपक लिया, लपक लिया, उसको उछाला था ना। ओके, इसका तो हम कुछ भी बना सकते हैं इसमें फुर्ती में, कि मैं जब सुबह सुबह उठती हूँ तो सुबह हमें जल्दी उठना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में फुर्ती रहती है, हमें अपना काम फुर्ती से करना चाहिए, मैं फुर्ती से दौड़कर बाजार गई है ना। अब है जामुन, तो यहाँ भी लिख सकते हैं कि मुझे जामुन बहुत पसंद है, मुझे जामुन अच्छे लगते हैं। ओके, फिर मज़ा, अब यहाँ पे लिख सकते हैं मुझे फुटबॉल खेलने में मज़ा आता है, तो इसमें कुछ भी आप कुछ भी बना सकते हो, मुझे पढ़ने में मज़ा आता है, मुझे कहानी की किताब पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, तो यहाँ पे मैंने अपन ने बुक में लिखा है शेर के बच्चे को, के बच्चे को उछलने में
बच्चे को उछलने में मजा आ रहा था, मजा आ रहा था। ओके, अब मैं कैसे लिख रही हूँ, देखो नीचे से टच नहीं कर रही, नहीं यहाँ से टच करके लिख रही हूँ। ओके, केवल बीच में आना चाहिए, नीचे से टच नहीं होना चाहिए। अब गायब का लिखेंगे कि जैसे कुछ भी लिख सकते हैं कि कुत्ते को देख के बिल्ली फटाफट गायब हो गई, और चूहे को देख के चूहा भी बिल्ली को देख के गायब हो जाता है। तो यहाँ ये भी लिख सकते हैं हम। अब हम यहाँ पे लिख देंगे भालू जल्दी से गायब, से गायब हो गया। ओके, ये हो गया, भालू जल्दी से गायब हो गया। तो और हम कुछ भी बना सकते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं है कि मैडम ने वो दूसरा लिखवाया है या ये लिखवाया है। आप कुछ भी हम इसमें लिख सकते हैं। ओके, अब इसमें देखेंगे राइट रॉन्ग है, सही और गलत, राइट रॉन्ग का निशान लगाना है यहाँ पे हमको, है ना। अब है शेर, पहला है इसमें, शेर के बच्चे ने भालू को फुटबॉल समझ लिया। भालू को फुटबॉल समझ लिया, तो ये तो गलत है ना, भालू ने शेर के बच्चे को फुटबॉल समझ लिया, तो यहाँ पे गलत का निशान लगाएंगे, रॉन्ग का निशान। फिर भालू आम के पेड़ के नीचे खड़ा था। ओके, तो ये भी गलत है, यहाँ जामुन के पेड़ के नीचे, शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गिरा, ये सही है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा, ये अच्छे से आप लोग भी इसका अभ्यास करना। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन का मैं आपको पुनरावृत्ति रिवीजन कराऊंगी। थैंक यू बेटा, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।